मुरादाबाद के रोडवेज बस स्टैंड के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब टेम्पू चालक और टेम्पू सवारी के बीच किराए को लेकर हाथापाई हो गई और देखते ही देखते सवारियों ने टेम्पू चालक की बीच सड़क पर धुनाई कर दी। साथ ही टेम्पू चालक को पिट्टा देख और टेम्पू चालक भी इकट्ठे हो गए और एक सवारी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मामला मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र का है, जहां रोडवेज बस स्टैंड के बाहर चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही एक टेम्पू चालक की सवारियों ने जमकर धुनाई कर डाली। टेम्पू चालक पीछे से सवारी लेकर आ रहा था, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर उतरने के दौरान किराए के पैसे कम होने को लेकर टेम्पू चालक और सवारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद अचानक टेम्पू में सवार युवकों ने टेम्पू से बाहर खींच लिया और उसकी सड़क पर जमकर धुनाई कर डाली। साथ ही टेम्पू चालक को पिट्टा देख आसपास के मौजूद टेम्पू चालक भड़क गए और इकट्ठे होकर साथी को बचाने में लग गए। मामले के संबंध में जब सीओ कटघर सुदेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि किराए को लेकर टेम्पू चालक और सवारियों में हाथापाई हो गई थी, पर फिर उनका आपस में ही समझौता हो गया और दोनों पक्षों को डांट एवं समझा कर घर भेज दिया गया। सर, रोडवेज चौकी क्षेत्र में जो अभी मारपीटा की वीडियो वायरल हुई थी, क्या मामला था सर? वीडियो तो मेरे द्वारा नहीं देखी गई है, लेकिन कुछ सवारियों का पैसे को लेके टेम्पो मालिक से झगड़ा हुआ था, उनका आपस में समझौता करा दिया गया और वो लोग चल गए। अच्छा, कौन लोग थे? अभी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका आपस में झगड़ा हो गया था और उनका आपस में समझौता करा दिया गया और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। 70 रुपये 50 रुपये को लेकर आपस में बीच में झगड़ा। कितने लोग थे सर इसमें? 5-7 लोग सवारी थे और एक टेम्पो वाला।